रामगढ़ पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चलाती है और तरह तरह से कांडों का उद्भेदन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसी तस्वीर आती है तो वाकई आप कह सकते हैं कि चोरों के मनोबल और अपराध कर्मियों के मनोबल सातवें आसमान पर है। यह मामला है रामगढ़ थाना क्षेत्र के डूभा खेत का, जहां डूभा खेत निवासी गुंजन कुमारी के घर से अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिया। घर के लोगों को कमरे में बंद कर इन चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और घर की अलमीरा और बक्से के ताले को तोड़कर सोने व चांदी के लाखों रुपए के मूल्य के जेवरात सहित नगद 5,000 रुपए चोरी कर ले गए। इस घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए गुंजन कुमारी ने बताया कि 11:30 बजे रात हम सोए थे और बाहर से सुबह उठे 4 बजे भोर में, तो देख रहे दोनों तरफ से मेरा दरवाजा लॉक है, बंद है। तो हम अगल बगल में पड़ोसी को फ़ोन किए तो आके खोले तो देख रहे हैं मेरे घर में चोरी का घटना घटा। उसमें 2 अलमारी और 4 पेटी तोड़ दिया गया था। उसमें मेरा बहुत सारा सोना का, जैसे हार था, कंगन था, 2 चेन था, मंगलसूत्र था, 2 का कान का था और मांग का टीका था, नथिया था, ये सब सारा सामान मेरा चोरी हो गया। और हम ये सब सामान को पहचान सकते हैं और पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी कुछ अपना कार्रवाई कीजिए। आसु पार्टी जो हल्ला बोल कार्यक्रम राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ कल कार्यक्रम की थी और आज यहाँ पर हल्ला बोलने फिर पहुँच गई। हल्ला बोलने वाले दिलीप दांगी को भी सुने कि किस प्रकार से वो प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पूरे रामगढ़ जिले में चोरी की घटनाएं, हत्याएं की घटनाएं आम सी हो गई है। जिला प्रशासन बालू के गाड़ी से पैसे की उगाही, गिट्टी के गाड़ी के पैसे की उगाही में परेशान है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, कल भी हम लोग आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में हल्ला बोल हम लोग इसी के लिए किए थे, चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए हल्ला बोल था। और एसपी साहब से भी हमारी बात हुई, एसपी साहब से मैंने आग्रह किया है कि इन सभी चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जाए, हत्याएं की घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जाए, धमकी की घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जाए। केवल और केवल एसपी साहब के द्वारा ये कह करके निकल जाना कि हमारे पास पुलिस बल कम है और राज्य सरकार की जो स्थिति है, राज्य सरकार सरकार के हस्तांतरण में लगी हुई है, राज्य की जनता का सुरक्षा देना उनका पहला कर्तव्य है, लेकिन हमको लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य की जनता की सुरक्षा को लेकर के संजीदगी नहीं है। वहीं इस घटना की सूचना पर रामगढ़ पुलिस पहुंची और गुंजन कुमारी के द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन को प्राप्त कर अपनी पुलिसिया जांच को प्रारंभ किया और आश्वासन दिया कि जल्द ही चोरी के सामान और चोर सलाखों के पीछे होंगे। इस अधीक्षक महोदय, आपसे आग्रह और अपील है कि अपने पुलिस की गश्ती को, पेट्रोलिंग टीम को आप शहर में आदेश दे गश्त लगाने का, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।